इसे सताया उसको ये जमीन में दबा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सही। मैं अनुरोध करूंगा भाई अरविंदर सिंह लवली से, क्योंकि उनको आगे मीटिंग में जाना है, दो दिन से हमारे बीच में आए, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। और मैं अरविंदर सिंह लवली से अनुरोध करता हूँ कि वो आए अपना विचार रखे भाई अरविंदर सिंह लवली जी। अल्लाह हाफिज। तो क्या लगता है कि एलजी जो है इस पूरे मामले में शांत है, उन्हें इनिशिएटिव लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, क्योंकि ये यूनियन गारंटी है और एलजी इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। उनको चाहिए कि इन सबको बुला के जो है दिल्ली गवर्नमेंट को एमसीबी को बुला के डायरेक्शन इश्यू करें, और जो डायरेक्शन नहीं फॉलो करता है उसमें एक्शन लिया जाए। इस तरीके से सरकारें नहीं चलती है, क्योंकि यहाँ पे केंद्र सरकार भी है, दिल्ली सरकार भी है, एमसीडी भी है और नेशनल गवर्नर साहब भी है। या तो केंद्र सरकार इनिशिएटिव के या एलजी साहब इनिशिएटिव के, और इस समस्या का जो है समाधान हो सकता है इमीडिएटली। अगर जो ये लोग नहीं कर सकते तो इन सबको हटा दें, हमें 5 दिन के लिए जो है सरकार चलाने का मौका दें, 5 दिन के अंदर हम सारा सिस्टम ठीक कर देंगे। हम लोग कांग्रेस के लोगों ने हमेशा जब भी किसी पर अत्याचार हुआ है उसको पार्टी से खत्म करेंगे। आज जो सफाई कर्मचारी जो हमारी मूल समस्याएं जो भी हमारी हैं उनको सुबह सुबह उठकर जो हमारी सफाई में सब ठीक रखता है, हमारे घर के कूड़े को अपने गली कूड़े को सफाई वर्षक उठाते हैं वहां से, और हमारी जो बीमारियों से भी मुक्त रखते हैं। आज दिल्ली कूड़े के ढेर पर खड़ी हो गई है और कूड़ा हमारे गलियों में मोहल्लों में सड़कों पर इस तरह से खड़ा हुआ है कि आप देख सकते हैं आज आने वाले समय के अंदर बीमारियां इस तरह फैल जाएंगी, इसको संभालना उतना मुश्किल हो जाएगा कि समझेंगे नहीं। आज हॉस्पिटलों में राशि चला गई है, डेंगू की और दूसरी बीमारियां फैल रही है, इस तरह से अगर बीमारियां फैलती रही तो आने वाले समय के अंदर देश दिल्ली के अंदर बुरा हाल हो जाएगा, और ये लोग अपनी राजनीति करते रहेंगे कि ये उसमें सरकार होता रहेगा, ये सब होता रहेगा। आज दिल्ली की जनता को समझना चाहिए, जो उन्होंने दिल्ली के हालात कर दिए वो ठीक नहीं है, उसको समझना होगा। आज को आपस में ये चीज छोड़कर देश में संयुक्त में कार्य करना होगा, और जो उनका उनके एरिया और जो चीज चल रही है वो इसको रिलीज करनी चाहिए, और जो रिलीज कर रहे हैं उस सीलिंग के मुद्दे के ऊपर हम इनको विरोध करते हैं। जो आज बेरोजगारी फैल गई है, आज चारों तरफ फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, और जिन फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे वो बेरोजगार हो गए हैं, उनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा, या फिर लोग क्या हालत हो गई आप समझ सकते हैं। चोरी बढ़ेगी, बेकारी बढ़ेगी, छीना झपटी होगी, और आज आप देख भी रहे हैं कि आज यहाँ पर दो कतल हो गए, थोड़ी छोड़ी जब भी अंदर जब आदमी काम नहीं होगा तो बताइए। अभी तक जो है लगातार प्रदर्शन भी हो रहा है, आप लोग भी आवाज उठा रहे हैं, इसके बाद भी इस पूरे मामले को सोल्यूशन निकलता नहीं दिख रहा, ऐसे में कांग्रेस पार्टी की आगे की क्या रणनीति है इस पूरे मामले को लेकर? अभी सब्जी जी यहाँ पर आए थे, डॉक्टर राजीव साहब यहाँ बैठे हुए हैं, सिख जी यहाँ पर हैं, हम सब लोग मिलकर जो यहाँ पर आवाज है उसको उठाएंगे, और सिख जिस जो बूंदी भैली सरकार है अगर इनके वहां पर जाना पड़े वहां भी जाएंगे, आज घेराव भी लेंगे। आज हमारे सफाई कर्मचारी भाई प्रधानमंत्री निवास पर धरना दे रहे हैं और उनका कोई घेराव करने जा रहे हुए हैं। आज यहाँ पर हम इनका जो यहाँ पर सिख जी हैं और जो कमिश्नर है उनका घेराव करने के लिए बैठे हुए हैं, जो गलत काम करने का जो उन्होंने मेरा भाया हुआ हम उसे सही करने की मांग कर रहे हैं, उनका सही करिए और गरीब आदमी की आवाज सुनिए, गरीब को बताइए। सर क्या लगता है किसकी जिम्मेदारी है ये जो गंदगी फैली हुई है? सरकारें अपनी जिम्मेवारी से आज कोई हम डकैत नहीं थे, हम चोर नहीं थे, जो 4 साल मंदिर तक हमारे मकान जाए किए गए, एक एक दरवाजा खोल के चेक किया गया, एक एक दरवाजे पे पुलिस खड़ी थी, पुलिस नहीं खड़ी थी, महामारी फैलने के हालात हो गए, ये कैसे कैसे प्रधानमंत्री लोग कह सकते हैं कि आपके मकान में आदमी घुस रहा हो और आप कुछ नहीं कर सकते? रोड खड़ी है, जहाँ पुलिस नहीं खड़ी, रोड खड़ी है, रोड के पत्थर हमारे अंदर खोली, हमारे मकानों पर खड़े हैं, और चौथी मंजिल तक कर्मचारी जा रहा है और हमारे गेट खुला खुला के इस तरह है, क्या है क्या है क्या है, मैं उसके लिए 5 मिनट लूंगा और उसके बाद अपना